why you should watch me, मतलब आपको मेरी वीडियोस क्यों देखनी चाहिए। सीधी सी बात है, अगर आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो कुछ ऐसी वैल्यू तो होगी ना वीडियो में जो कि आप मुझे देख रहे हैं, और अगर आप मुझे नहीं देख रहे तो आपको मेरी वीडियोस क्यों देखनी चाहिए। क्योंकि सीधी सी बात है, आप मुझसे पूछेंगे कि तू ऐसी क्या वैल्यू हमारे जिंदगी में ऐड कर रहा है जो हम तेरी वीडियोस देखें। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ ऐसे 3 पॉइंट्स आपके सामने रखने वाला हूँ, 3 आपको रीजंस देने वाला हूँ कि आपको मेरी वीडियोस क्यों देखनी चाहिए। क्योंकि मैं ना ही कोई फेमस हूँ, जैसे कि मैं ना ही कैरी मैं ना ही भुवन बाबू, मैं ना ही अमित भड़ाना हूँ, और ना ही मतलब और कोई फेमस, और फेमस कौन है, XYZ जो भी हो, जो भी फेमस है, तो मैं उनमें से कोई भी नहीं हूँ। तो आपको मेरी वीडियोस क्यों देखनी चाहिए, तो आज मैं आपको 3 रीजंस देने वाला हूँ, और अगर आप इन 3 चीजों से सेटिस्फाई होते हैं तो आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं, और अगर नहीं होते हैं तो मैं तो कुछ नहीं कर सकता। फोन आपका, नेट आपका, आंखें आपकी, तो आफ्टर ऑल इट्स योर चॉइस। सुन मेरी बात, इट्स हर चॉइस। तो आज के इस वीडियो में इसी के बारे में जानेंगे। सो हे वेलकम व्यूअर्स, माय नेम इज उत्कर्ष करवाडे एंड यू आर वाचिंग फार्म बॉय YouTube चैनल। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो ज्यादा आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए हम डायरेक्टली वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो रीजन नंबर 1, I will make it simple for you. तो इसका ये मतलब है कि जो सारी चीजें हैं वो for example health से related चीजें, medicine से related चीजें, means pharmacy से related चीजें, then health, fitness, ये सारी चीजें जो complex बहुत सारी चीजें हैं, उसको मैं आपको simple way में इस channel के थ्रू बताऊंगा। तो for example आप ही सोचिए कि अगर आपको कोई problem हो जाती है, इसका हम एक example लेते हैं diarrhea। तो मान लीजिए आपको डायरिया हो जाता है, और डायरिया होने के बाद आपने गूगल पर सर्च किया कि डायरिया को हम किस तरह से ठीक कर सकते हैं, तो आपके सामने वीडियो आई और आपने वीडियो पर क्लिक किया, और उसके अंदर एक प्रोफेशनल डॉक्टर थे जो पूरी तरह से स्टेथोस्कोप डालकर, अपनी जैकेट पहनकर, पूरे एक टीचर की तरह आपको गाइड कर रहे थे कि आखिर ये डायरिया होता क्या है, होता क्यों है, और इसे किस तरह से ट्रीट करते हैं। तो उस तरह से वीडियो में अगर मैं आपको फॉर एग्जांपल कि अगर मैं वही डॉक्टर हूँ और मैं आपको बता रहा हूँ कि आखिर डायरिया होता कैसे, तो अगर मैं ऐसे वीडियो बनाऊ कि ऐसे में पूरी तरह से कोट पहन के बैठा हूँ, समझ लीजिए, और मैं बता रहा हूँ कि डायरिया इज द डिजीज इन विच दिस डिजीज हैपन्स ड्यू टू द बिकॉज ऑफ द एंट्री ऑफ वेरियस ऑर्गेनिजम्स इनटू योर सिस्टम, एंड बिकॉज ऑफ दैट have this particular condition, and because of this condition, when the bacteria enters in your system, and this bacteria creates several problems in your body, and because of that you lose electrolytes, or your stool becomes fluid, or the fluid which you eliminate from the body is in the form of liquid, that is called as diarrhea, and because of this diarrhea and because of losing so many electrolytes, you feel weak. So, अगर मैं इस तरह से आपको वीडियो में बताऊं, तो क्या वो वीडियो आपके लिए इंटरेस्टिंग होगी? तो मेरे ख्याल से तो ऐसी वीडियो इंटरेस्टिंग नहीं होगी। हाँ, मैं उनकी नॉलेज के ऊपर मैं कुछ भी बोल नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि द वे यू रिप्रेजेंट दिस, जिस तरीके से आप वीडियो में चीजें समझा रहे हैं, जिस लेवल पर लोगों को ये चीजें समझ रही है, वो चीजें इंपॉर्टेंट है। तो जो चीजें वो डॉक्टर एकदम टीचर की तरह प्रॉपरली एक जगह पर बैठकर कोट सूट पहनकर आपको बता रहे, वही चीजें मैं आपको सेम चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन मैंने कोई कोट सूट नहीं पहना, मैंने कोई स्टेथोस्कोप नहीं पहना है, बस मैं वो चीजें आपको सिंपल वे में बता रहा हूँ जो हम जैसी ऑडियंस जो है, हम जैसी जो कॉमन जो लोग है हमारे जैसे, वो समझ सके। सो ये है बेसिक चीज की जो कॉम्प्लेक्स चीजें हैं हेल्थ से रिलेटेड, मेडिसिन से रिलेटेड, तो उन सारी चीजों को मैं आपको एक सिंपल फॉर्म में इस चैनल के थ्रू अपने वीडियो से बताऊंगा। सो रीजन नंबर 1,
कि आई विल मेक इट सिंपल फील। तो पॉइंट नंबर सेकंड के बारे में बात करते हैं जो कि डाइवर्स कंटेंट। डाइवर्स कंटेंट का ये मतलब है कि हम डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस बनाएंगे। तो इसे बनाने का मोटिव ये है कि देखो भाई, अपना एक सिंपल फंडा है, एक जिंदगी मिली है, तो एक ही जिंदगी में हम ऐसा क्यों करें कि सिर्फ फार्मेसी को स्ट्रिक करके रहो, मतलब फार्मेसी के ऊपर ही वीडियो बनाओ। सीधी सी बात है ना, अगर एक जिंदगी है तो एक जिंदगी में बहुत सारी चीजें हम ट्राई क्यों नहीं करते हैं। और ऐसे तो कोई बात नहीं कि आप कहेंगे कि क्या आप कहेंगे कि देखो भाई मेरी ये जो जिंदगी है फिलहाल की, तो मैं इसके तो इस जिंदगी में मैं सिर्फ फार्मेसी के ऊपर वीडियोस बनाऊंगा और सिर्फ फार्मेसी स्टडी करूंगा, और अगली जो मुझे जिंदगी मिलेगी तब मैं ड्राइंग करूंगा, फोटोग्राफी करूंगा, तो जो दूसरी चीजें हैं वो मैं अगले जन्म में करूंगा। ये तो कोई बात नहीं हुई, एक जिंदगी है, तो सारी चीजें ट्राई करते हैं, सारी चीजें सीखते हैं, मल्टीपल स्किल्स एक्वायर करते हैं। तो इसीलिए इस चैनल के ऊपर हम कोई भी एक टॉपिक को स्टिक करके नहीं रहेंगे, लेकिन बेसिक जो हमारा सब्जेक्ट है और जो बेसिक हमारी चीजें वो तो सेम रहेंगी, वो है हेल्थ। हेल्थ के अराउंड जो सारी चीजें उन्हें हम कैप्चर करने की इस चैनल के थ्रू हम ट्राई करेंगे, लेकिन ज्यादा भी हम डाइवर्सिफाई नहीं करने वाले फिलहाल तो। लेकिन आगे चीजें आगे क्या होगा इसके बारे में मुझे बतानी है, लेकिन आई होप कि हम बहुत सारे डिफरेंट कैटेगरीज में हम जाएंगे, लेकिन जो बेसिक हमारी जो टॉपिक है वो तो रहेगा फार्मेसी और हेल्थ। तो और साथ ही साथ आप ये भी देखिए चैनल का ऑलरेडी नाम क्या है, इट्स फार्मा एंड बॉय। फार्मा रिप्रेजेंट्स फार्मेसी एंड बॉय रिप्रेजेंट्स मी माइसेल्फ। इसका मतलब ये है कि फार्मेसी की चीजें और साथ ही साथ जिन चीजों में मुझे इंटरेस्ट है, मतलब मेरे जैसी सोच रखने वाले, मेरे जैसे थॉट्स रखने वाले लोग अगर इस चैनल से कनेक्ट करेंगे तो वो मेरे लिए भी एक अच्छी बात होगी कि मुझे भी एक पॉजिटिविटी मिलेगी कि मेरे जैसे सोच रखने वाले, मेरे जैसे ओपिनियन रखने वाले लोग मेरे साथ है। तो अगर आप मेरे जैसे थॉट्स रखते हैं, मेरे जैसे ओपिनियंस रखते हैं, तो आप इस चैनल से जरूर कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए इस चैनल के ऊपर आएगा डाइवर्स कंटेंट। डाइवर्स कंटेंट बनाने का और एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि हमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिल सकती है, हम सिर्फ एक ही बेसिक चीज पर अड़े नहीं रहेंगे, हम बहुत सारे डिफरेंट फील्ड्स में जाएंगे, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट चीजें सीखेंगे। और इसका ये मतलब नहीं है कि हम सिर्फ दूसरे कंटेंट के ऊपर ही ज्यादा फोकस करेंगे, हम सारी चीजों के ऊपर इक्वली फोकस करेंगे, और कुछ ना कुछ तो लर्निंग आपको इन वीडियो से मिलेगी, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि ऐसा कभी नहीं होगा कि जो मैंने वीडियो डाली उससे आपके लाइफ में कोई वैल्यू एड ना हुई हो, कोई छोटी सी ही क्यों ना हो, हालांकि वो एंटरटेनमेंट भी हो सकती है, तो कोई भी छोटी भी वैल्यू हो सकती है वो, जिसके थ्रू मैं आपके जिंदगी में कुछ वैल्यू ऐड कर पाऊंगा। तो इसीलिए ये है मेरा पॉइंट नंबर टू और रीजन नंबर टू, दैट इज डाइवर्स कंटेंट। देन लास्ट बट सडनली नॉट द लीस्ट इज द पर्सनल ओपिनियन, मतलब मैं अपना पर्सनल ओपिनियन आपके सामने रखूंगा। अब आप कहेंगे कि इससे हमारा क्या फायदा होगा तेरे पर्सनल ओपिनियन सुनने से। तो देखिए, अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन आपके सामने रख रहा हूं तो आपके सामने एक मेरा पर्सपेक्टिव होगा कि इसके बारे में मैं क्या सोचता हूं। तो अगर मेरा एक पर्सनल ओपिनियन से रिलेटेड वीडियो आपने देखा तो आप उसके नीचे कमेंट करेंगे कि भाई मैं आपसे, एक तो आप कहेंगे कि मैं आपसे सहमत हूँ और एक कहेगा कि मैं आपसे सहमत नहीं हूँ। तो हम इन दोनों ओपिनियन के अकॉर्डिंग, मतलब जो मेरा ओपिनियन मैंने आपके साथ शेयर किया, आप उसके कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन शेयर करेंगे। तो इससे होगा क्या कि जो चीजें मुझे बतानी है वो चीजें मुझे बता चलेंगी, और शायद जो चीजें आपको बतानी होंगी वो चीजें मैं बताने का ट्राई करूंगा। इससे हम दोनों को फायदा हो कि इस तरह से हम दोनों को फायदा होगा कि जो चीजें मुझे बतानी है वो मुझे बता चलेंगी, और जो चीजें मुझे बता है वो आपको बता चलेगी। इस तरह से हम टुगेदर ग्रो कर सकते हैं। तो ये है इसका थर्ड पॉइंट, दैट इज पर्सनल ओपिनियन।
क्योंकि पर्सनल ओपिनियन एक ऐसी चीज है जो बहुत सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करती है और पर्सन टू पर्सन वैरी होती रहती है। तो बहुत सारे लोगों के डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियंस हो सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स हो सकते हैं, लोगों की सोच अलग है। तो इस तरह से हम टुगेदर ग्रो कर सकते हैं कि इसका अलग ओपिनियन है तो आपका ये ओपिनियन है। तो इस तरह से हमें बहुत कुछ, बहुत सारी चीजें कम टाइम में सीखने को मिलेगी। तो ये है मेरा पॉइंट नंबर 3, दैट इज पर्सनल ओपिनियन। तो ये थे ऐसे 3 रीजंस जिसकी वजह से आपको मेरे वीडियोस देखने चाहिए। और मेरा तो मैं तो यही ट्राई करूंगा कि मेरे वीडियोस से आपके जिंदगी में कुछ ना कुछ वैल्यू तो ऐड जरूर होनी चाहिए, क्योंकि मेरा कोई भी ऐसा वीडियो खाली नहीं जाएगा जिसमें कोई भी ऐसी मैंने वैल्यू एडिंग चीज नहीं की और मैंने कोई भी ऐसा वीडियो डाला जिसकी वजह से आपके जिंदगी में उससे कोई भी वैल्यू एडिशन नहीं हुई हो। तो ये चीजें तो मैं फुली अपनी तरह से ट्राई करूंगा, होप फॉर द बेस्ट। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना, यही थे मेरे 3 पॉइंट्स जिसके वजह से आपको मेरे वीडियो देखने चाहिए। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में। टिल देन कीप वाचिंग फॉर अ बॉय एंड फाइनली थैंक्स फॉर वाचिंग।